हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोक देंगे ये खास वास्तु टिप्स। अपने घर में खुशहाली भला कौन नहीं चाहता। हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए कई तरह के वास्तु टिप्स अपनाते हैं। कहते हैं कि घर में खुशियां तभी आती हैं जब परिवार में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें। लेकिन कई बार इस सब के बाद भी घर में मुश्किलें और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका कारण आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि घर में नेगेटिव ऊर्जा के प्रवेश करने का कारण क्या है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनसे आप घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकेंगे और इन उपायों से आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। घर के बाहर लगी नेम प्लेट। आजकल लोग अपने घरों के बाहर नेम प्लेट तो लगाते ही हैं। इससे घर की पहचान आसान हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके तो घर के बाहर लगी नेम प्लेट को हमेशा साफ रखें। याद रखें कि गंदी नेम प्लेट घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। रोज सुबह शाम घर में दिया जलाएं। जिस तरह से आप रोज अपने घर की साफ सफाई करती हैं, ठीक उसी तरह से घर के मंदिर की भी रोज सफाई करके घर के मंदिर और घर के बाहर सुबह शाम दिया जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहेगी और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। रसोई घर में कभी न रखें दवाइयाँ। वास्तु शास्त्र अनुसार कहा जाता है कि रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में बीमारियों का भय हमेशा बना रहता है और घर में तनाव का माहौल भी रहता है। रसोई को हम अच्छे स्वास्थ्य और माँ अन्नपूर्णा का निवास मानते हैं, इसीलिए रसोई घर में दवाइयाँ रखने से बचना चाहिए। बेडरूम में शीशा लगाने से बचें। वास्तु शास्त्र अनुसार कभी भी सोने के कमरे में शीशा नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में शीशा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यह पार्टनर्स के बीच आपसी मतभेद पैदा कर सकता है। अगर आपने सोने वाले कमरे में ड्रेसिंग टेबल रखा हो तो रात के समय उसे कवर करके रखना चाहिए। ऐसा करने से आप घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें। हमेशा खुद को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आपका मन शांत होगा तो आपके मन में नेगेटिव नहीं आएंगे, जिससे आपके घर का माहौल हमेशा अच्छा रहेगा। खुद को शांत रखने के लिए आप रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही बनी रहती है। प्रवेश द्वार पर विंड चाइम लगाएं। वास्तु शास्त्र में विंड चाइम का बहुत अधिक महत्व है। विंड चाइम पॉजिटिव एनर्जी का सूचक है। माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर विंड चाइम लगाने से इससे आने वाली तरंगे और आवाज घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती है, जो घर में सुख समृद्धि लाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।